अंदर की नमस्कार जीवित प्रायाण मरी मन मंदी सो वेलकम टू प्री रिलीज इवेंट ऑफ गामी एंड आई वांट टू से कि काफ़ी लंबी जर्नी रही है ये 6 साल की 7 साल की और जिस तरीके से इस फिल्म में मैं आया वो खुद एक एक्सीडेंट है. मतलब फिल्म से गामी करने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि मैं लाइफ में बहुत पैशनेट आदमी हूँ. हाँ मुझे पता है आप उनके लिए चिल्ला रहे हो, आई अंडरस्टैंड. तो गामी में आने से पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत पैशनेट आदमी हूँ, कोई भी काम करता हूँ बहुत पैशनेटली करता हूँ. बट देन मैं विद्याधर से मिला और मुझे पैशन का सही मतलब समझ में आया. 8 साल तक एक विजन को पकड़ के रखना, उसके बाद उसमें कन्विक्शन होना और उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस होना कि मैं जैसा करना है मुझे वैसा ही करना है. आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव अ ह्यूज राउंड अप्लॉज टू डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म विद्याधर कागेता. एक और इंसान है इस फिल्म में जो कभी लाइमलाइट में नहीं आता, हमेशा लो की रहता है. यू नो, खुद का कन्विक्शन होता है तो आदमी उसको रख भी लेता है. फॉर एग्जाम्पल, रामायण में वनवास सिर्फ राम भगवान को मिला था पर लक्ष्मण जी भी उसके साथ चले गए थे. विजन प्रत्युष का है पर उसको अपना विजन बनाया था को डायरेक्टर प्रत्युष ने. प्रत्युष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रत्युष एज अ डायलॉग राइटर इस फिल्म में आया था, फिर उसने स्क्रीन प्ले भी लिखा और उसके बाद को डायरेक्टर. और जितना उसने इसको अपना विजन बनाया गामी को, उतना विद्या के साथ कदम कदम पर चला. तो आई वॉन्ट यू गिव अ ह्यूज राउंड अप्लॉज टू प्रत्युष ऑल्सो. उसके बाद प्रवल्या, प्रवल्या के बारे में क्या बोलूं, शी इज अ प्रोडक्शन डिजाइनर. सारा कुछ सेट अपने हाथ से बनाया है, सेट बनाती थी उसके बाद आके मेरा मेकअप भी करती थी, तो सब कुछ किया है. उसके बाद अनुषा, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम दिया है, इस वर्ल्ड को जस्टिफाई किया है गामी के. तो हर इंसान ने बहुत डिटेल में काम किया और जितना टेक्नीशियंस ने काम किया उतना ही मैं बहुत बड़ा थैंक्स और बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा विश्वक भाई को. एक बार जोरदार तालियां फॉर विश्वक सेन फॉर हिज चॉइस ऑफ फिल्म्स. इतनी डिफरेंट डिफरेंट फिल्में वो कर रहे हैं और इतनी अलग अलग सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं. तो थैंक यू विश्वक फॉर ब्रिंगिंग गामी एंड हैविंग कन्विक्शन इन द सब्जेक्ट ऑफ गामी ऑल्सो. एंड थैंक यू चांदनी फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड या फाइनली आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अ बिग थैंक्स टू यू वी क्रिएशन टू हेल्पिंग एंड बढ़ाने के लिए और इस फिल्म को आप तक यहाँ पहुँचाने के लिए. सो एंड में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से शिवरात्रि की रात 8 मार्च को गामी आप सबकी. थैंक यू सो मच. माय नेम इज मयंक पार्क.